नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए हो जाता है ये सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से हमने देखा था। ठीक है, अच्छी प्रकार से उसकी थ्योरी देखी थी, हेडिंग पर बहुत फोकस दिया था कि हेडिंग आपको याद हो जाए और बनाकर भी आप हेडिंग लिख सको। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर बीए वालों के लिए। ठीक है, तो जो हो जाता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान से तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या, तो पहले इसके बारे में आपको याद होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन दे रखा है सेकंड, दंड क्या है, दंड है क्या, इसके प्रकारों का क्या करना है आपको उल्लेख करना है, मतलब दंड के बारे में बताना है, दंड किसे कहते हैं और दंड के प्रकार कितने होते हैं, किसने बताया है, ये सारे के सारे। ठीक है, तो बिल्कुल देखते हैं, तो बात करते हैं पहले क्या डालेंगे कॉपी के अंदर, कॉपी होगी हमारी। ठीक है, उसमें आपको बता ही रखा है मैंने इस प्रकार से लाइन करना है, तो यहां पर क्या डालेंगे, यूनिट नंबर वन के सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का उत्तर। ठीक है, मैंने डाल दिया, उसके बाद यहां लिखेंगे उत्तर और थ्योरी लिखना स्टार्ट। ठीक है, तो यहां पर देखो उत्तर लिखा हुआ ही है, अब हम थ्योरी लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या डालेंगे, सबसे पहली हेडिंग हमारी यहां पर हेडिंग दे नहीं रखी है, मगर यहां पर हम हेडिंग डालेंगे, कौन सी हेडिंग डालेंगे, दंड। क्या डालेंगे यहां पर, दंड, हेडिंग डाल दी हमने क्या, दंड। अब इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि दंड के बारे में थ्योरी में देखना पड़ेगी थोड़ी, पहले थ्योरी लिखते हैं, तो हमने दंड डाल दिया यहां पर। अब इसकी थ्योरी देखो क्या हो जाती है, दंड के बारे में क्या लिख रखा है हमने, भाई हम यहां पर देखने वाले हैं। तो बात करते हैं उत्तर, दंड राज्य के प्रमुख तत्वों में से एक है, क्योंकि मैंने यहां पर हेडिंग क्या डाली थी, दंड डाली थी। अब दंड के बारे में कुछ तो दोगे ना, जब हेडिंग दंड डाली है तो उसकी व्याख्या तो आप पहले करोगे ही, उसके बारे में पहले बेसिक पे तो लिखोगे, तो बेसिक लिख रखा है कि दंड राज्य के प्रमुख तत्वों में से क्या होती थी, एक होती थी। फिर कहा दंड का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन में अनुशासन को बनाए रखना है, दंड का उद्देश्य क्या होता है, मानव जीवन में अनुशासन को बनाए रखना, मतलब मानव का उल्लंघन कोई ना करे। फिर देखा है दंड पर विचार व्यक्त करते हुए मनु ने कहा, कौन है भाई, राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक जो विज्ञानी है वो कौन है, मनु जी, याद करना है, पिता कौन है, मनु जी हो जाते हैं। बात करते हैं मनु ने कहा, राजा ही वह शक्ति है, राजा ही वह शक्ति है जो संपूर्ण मनुष्य जाति की रक्षा कर सकता है, राजा वह शक्ति है जो संपूर्ण मनुष्य जाति की रक्षा कर सकता है, और इसके संरक्षण के लिए राजा एक, इसके संरक्षण के लिए राजा एक साधन के रूप में दंड का प्रयोग करता है, किसके रूप में, एक साधन के रूप में दंड का प्रयोग करता है, राजा दंड के माध्यम से धर्म को समाज में बनाए रखने का, बनाए रखने और उसका संरक्षण करे, राजा क्या करता है, धर्म को बनाए रखने के लिए समाज में संरक्षण करता है। बात करते हैं दंड व्यवस्था है, दंड व्यवस्था है जो सचेत तथा असचेत, सचेत तथा असचेत दोनों ही अवस्था में व्यक्ति के कार्यों पर नियंत्रण रखती है, नियंत्रण रखती है। ऐसा माना जाता है कि दंड का प्रयोग आवश्यकता से अधिक नहीं करना चाहिए, अगर आवश्यकता से अधिक करोगे तो क्या होगा, क्योंकि ऐसा करने से दंड का भाव लोगों में, दंड का जो भय होता है वो लोगों में क्या हो जाएगा, लोगों के मन में कम हो जाएगा, अगर ज्यादा उसका प्रयोग करोगे तो लोगों के मन में उसका दंड का भाव, जो भय होगा, जो डर होगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या प्राचीन विचारकों के, प्राचीन विचारकों के अनुसार दंड का प्रयोग तब करना चाहिए जब समाज में किसी सामाजिक तत्व की उपस्थिति हो, जब कोई सामाजिक, समाज में किसी असामाजिक, सॉरी किसी असामाजिक तत्व की उपस्थिति हो, तब उस दंड का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे देखा है प्रजा के लिए, प्रजा के लिए राजा द्वारा दंड देने की व्यवस्था करने के साथ ही साथ प्रजा को भी यह अधिकार दिया गया है कि राजा कोई नैतिक कार्य करता है तो प्रजा उसके खिलाफ, देखो नैतिक नहीं अनैतिक होगा, ठीक है, अनैतिक कार्य करता है मतलब नीति के विरुद्ध जाता है तो प्रजा उसके खिलाफ विद्रोह कर सकती है, तो प्रजा क्या कर सकती है, उसके खिलाफ विद्रोह कर सकती है, वह राजा को उसका पद त्यागने के लिए भी मजबूर कर सकती है। ये उसके बारे में, दंड के बारे में लिख रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं यहां पर भी हम। बात करते हैं दंडनीय की, यह प्राचीन भारतीय अवधारणा सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक संबंधों की समग्रता से संबंधित है, उसकी समग्रता से क्या हो जाती है, संबंधित हो जाती है।
अब देखते हैं दंड के उद्देश्य, क्या देखते हैं दंड का उद्देश्य। हमने हेडिंग डाल दी, चाहे यहां डाल दो चाहे आप यहां डाल सकते हो बड़ा बड़ा, ठीक है, उसके बाद नीचे लिख सकते हो। तो दंड के उद्देश्य, प्राचीन काल में दंड के मुख्य दो उद्देश्य थे। कितने थे? प्राचीन काल, पुराने काल जो राजा महाराजा थे उस समय कितने उद्देश्य थे? दो उद्देश्य थे। पहला अक्षमता, क्या थी? अक्षमता। इसका प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था कि अपराधी फिर से उसी अपराध को नहीं दोहराए। मतलब जो अक्षमता थी उसका अर्थ क्या था कि एक बार अगर किसी ने कोई कह सकते हैं कोई अपराध कर दिया तो दोबारा उस अपराध को वो ना दोहराए, इसके अंतर्गत रखा जाता था। पहली क्षमता, पहले उद्देश्य के अंतर्गत, मतलब अक्षमता के अंतर्गत। फिर देखा दूसरा उद्देश्य था निंदा। दूसरा उद्देश्य क्या था? निंदा। इसके अंतर्गत अपराधी को बहुत निंदा की जाती थी जिससे वह शर्मिंदा हो जाए और भविष्य में कोई अपराध ना करे। इसके अतिरिक्त पुनर्वास और सुधार भी दंड के उद्देश्य थे। पुनर्वास मतलब वहां से भगा दिया जाए। फिर देखा है पर इसका प्रयोग सजा और सुधार के साधन के रूप में किया जाता था। सिर्फ इसके सुधार के रूप में ही इसका उपयोग किया जाता था। फिर देखा है इसमें दंड का लक्ष्य सुधारात्मक होता था। सुधारात्मक है मतलब इसके जो दंड का लक्ष्य है वो क्या है? सुधारात्मक है। इसमें सुधार के रास्ते से अपराध ना करने की शिक्षा देने का भी प्रावधान है। अपराध ना करने की शिक्षा देने का प्रावधान यहां पर हो जाता है। बात करते हैं, अब देखेंगे दंड के प्रकार। अब तक हमने दंड की थोड़ी देखी, अब हम क्या देखने वाले हैं? दंड के प्रकार। तो दंड के प्रकार कितने होते हैं? हमारे जो राजनीतिक शास्त्री थे वो कौन थे? वो हो जाते हैं अपने मनुजी। कौन हो जाते हैं भाई? मनुजी हो जाते हैं राजनीतिक शास्त्री। तो मनु ने 7 प्रकार के दंडों का वर्णन किया है। मनु ने कितने वर्णन किया है? 7 प्रकार के दंडों का वर्णन किया है। पहला हो जाता है अपना, कौन सा? पहला हो जाता है दिग्दंड, सॉरी दिग्ध नहीं होगा, दिग्दंड होगा, ठीक है। पहला हो जाता है अपना दिग्दंड, मतलब दिग्दंड, ध्यान से ना, इसमें अपराधी से उसका अपराध स्वीकार कराया जाता है और वह उसे डांट फटकार कर वह समझा कर छोड़ दिया जाता है। किसमें? दिग्दंड में, ध्यान रखना, दिग, इसी से कहते हैं दिग, मतलब उसको धुतकार दिया, बस दंड दिया, छोड़ दिया, वही बात हो रही है। तो उसको भाई अपराध से स्वीकार करवाया और थोड़ा सा उसे क्या कर डांटा फटकारा और समझा कर उसे छोड़ दिया, तो क्या हो गया? दिग्दंड। याद हो गया ना? आगे देखो सेकंड दंड हो जाता है अर्थदंड। अर्थदंड मतलब क्या हो गया? आर्थिक, मतलब पैसे की बात यहां पर हो रही है, अर्थदंड। सॉरी, इस प्रकार के दंड में अपराधी को उसके अपराध की सजा, अपराध की सजा में आर्थिक दंड दिया जाता है। अर्थदंड के अंदर क्या होगा? आर्थिक मतलब पैसे का दंड, कि पैसा आपको भरना पड़ेगा। मनु ने इस प्रकार के दंड की अधिक प्रयोग की सलाह दी है कि भाई कोई दंड करता है तो आप कौन सा दो, ये दो कि भाई पैसा देने पड़े, किसी का अपमान भी ना हो और वह कोई गलत कदम ना उठाए, ठीक है। तो इस प्रकार से अधिक प्रयोग की सलाह दी है किसके लिए? पैसे वाले के लिए, आर्थिक के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को देखो। नेक्स्ट वाला अपना बाक दंड। बाक मतलब बोलना, बाक मतलब बोलना, बाक दंड। तो इसका अर्थ क्या होता है? चेतावनी देना, यदि अपराधी का अपराध ज्यादा संगीन ना हो तो, अपराधी वैश्यक ना हो, अपराधी वैश्यक ना हो तो उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। चेतावनी दी और छोड़ दिया। बात करते हैं नेक्स्ट दंड हो जाता है तुम्हारा बगदंड। बगदंड में क्या होगी? उसे मारा पीटा जाएगा बगदंड के अंदर। तो बात करते हैं बगदंड क्या है। यह दंड गंभीर अपराध की श्रेणी में दिया जाता है। इसके अंतर्गत अपराधी को शारीरिक पीड़ा दी जाती है, मतलब उसे मारा पीटा जाता है। किसमें? बगदंड के अंतर्गत, ठीक है। आगे देखो, आगे हो जाता है 5वां, जाति बहिष्कार का दंड। क्या होगा? जाति बहिष्कार का दंड कौन सा होगा? इसके अंतर्गत अपराधी को इसकी जाति, जो इसकी जाति होती है, इसकी जाति समुदाय तथा समाज से बाहर कर दिया जाता है कि भाई इस जाति के लायक तू नहीं है। तो मतलब जाति बहिष्कार दंड एक यहां पर हो जाता है। अगले देखे हैं यहां पर 6 को, देखो यहां पर संपत्ति हरण दंड। संपत्ति हर दंड क्या हुआ? इसके अंदर सभी संपत्ति हड़प ली जाएगी, है ना, मतलब उसका क्या नीलामी कर दी जाएगी, है ना। संपत्ति हर दंड, इसके अंतर्गत अपराधी की पूरी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है।
और उस संपत्ति को निष्कासित कर दिया जाता है, मतलब नीलाम कर दिया जाता है, भी आप लिख सकते हो। ठीक है, बात करते हैं सेवन दंड, जो लास्ट दंड हो जाता है हमारा, वो हो जाता है निर्वासन दंड। कौन सा? निर्वासन। इसमें देते हैं, इस दंड के अंतर्गत अपराधी को राज्य से निकाल दिया जाता है, अर्थात तो इस दे उस देश उसे क्या कहते हैं, देश निकाला दे दिया जाता है, अर्थात कह सकते हैं उसे निर्वासन। मतलब वासन मतलब क्या होगा, घर में रहने वाला, और निर्वासन मतलब इसके पास घर ना हो। ठीक है, तो कह सकते हैं निर्वासन मतलब घर से निकाल देना, मतलब देश से निकाल देना कह रहे हैं वो। तो ठीक है, मतलब उस देश से या उस राज्य से निकाल देना। इसके अंतर्गत अतिरिक्त दंड के प्रकार होते हैं, ये छोड़िएगा। ठीक है, ये छोड़िएगा, आपको बस सात दंड याद होने चाहिए, कौन कौन से है। देखो अब इसकी ट्रिक हो जाती है, ट्रिक हो जाती है। सबसे पहले क्या करेंगे, किसी को दंड देने से पहले क्या करते हैं, बोलते हैं, गाली वगैरह देते हैं किसी के लिए ना। बिल्कुल, तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए था बाक दंड। फर्स्ट नंबर पे क्या हो गया अपना, बाक दंड। ठीक है, याद करो, देखो सबसे पहले क्या करो, किसी को दंड देने की बात करोगे तो क्या करोगे, बोलोगे उसे, है ना। तो बिल्कुल सही, तो पहले कर दिया उसने बाक दंड। अब जब बोल दिया तो क्या करोगे उसके बाद, जब बोल दिया फिर क्या करोगे, देखो जब बोलोगे आप तो करोगे भाई धिक दंड। क्या करोगे, धिक, उसे धिक्कारोगे। पहले हमने किया बाक दंड, पहले उसे हमने बताया, उसको समझाया, है ना। फिर उसके बाद क्या क्या धिक्कारा उसके लिए, धिक्कारोगे ना, बिल्कुल, दंड के लिए धिक्कारा, तो क्या होगा, धिक दंड। उसके बाद क्या करेंगे, पैसे ले सकते हो, है ना भैया, तो दंड दो तुम, चलो इसका क्या करो, हर्जाना भरो, है ना, इसका हर्जाना भरो, मतलब अर्थ दंड हो गया। आगे देखो, तीन दंड हो गए, याद हो गए, आगे देखते हैं फिर। अब हर्जाना तो भर दिया भाई उसने, या हर्जाना भरो या फिर पिटो, मतलब बग दंड। क्या हो जाएगा, बग दंड, या तो पिटो या फिर हर्जाना भरो, मतलब अर्थदंड या फिर बग दंड, दो में से एक दंड आपको चूज करना पड़ेगा। अब ये भी दे दिए, ये भी आप नहीं मान रहे तो क्या करो, ऐसा करो इन्हें यहां से भगा दो, तो जाति बहिष्कार का दंड, मतलब जाति से इन्हें अलग कर दो। फिर हो जाता है संपत्ति हर दंड, इनकी संपत्ति भी हर कर लो और देश से निकाल दो। तो इस प्रकार से सातों की सातों दंड आपको याद हो गए, पहले बोलना हो गया, फिर उसे धिक्कारना हो गया, है ना, धिक दंड, फिर उसके बाद क्या हो गया, अर्थ दंड हो गया, है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, या तो दे दोगे बग दंड, या उन्हें मारो, है ना, बग दंड, या फिर क्या करना है, उनसे पैसा ले लो, अर्थ दंड हो गया। ठीक है, फिर जाति दंड हो गया अपन, जाति बहिष्कार दंड, पाक दंड तो हो ही गया हमारा। ठीक है, संपत्ति दंड हो गया और निर्वासन दंड हो गया। तो सातों के सात दंड आपको याद हो गए, बस दंड आपको याद कर लेना, बाकी तो आप लिख सकते हो। ठीक है, थ्योरी मैंने अच्छी प्रकार से आपको पढ़ा दी, तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना, घंटी को तोड़फोड़ कर देना, ठीक है, जो कि बेल आइकन आपके पास पहुंच जाए। तो भाई लाइक करो, शेयर करो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।